नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। जनसुराज अब दल बन गया है। प्रशांत किशोर ने इसकी विधिवत घोषणा की है। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में प्रशांत किशोर आज अपने समर्थकों की हुजूम खड़े किए हुए थे, वहीं पर उन्होंने दल की घोषणा की है। ऐसे में अब जनसुराज बिहार में एक नया दल बन गया है। उन्होंने विधिवत तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष की भी घोषणा की है, पार्टी के संविधान और झंडा का भी उन्होंने घोषणा किया है। प्रशांत किशोर अब जनसुराज के सूत्रधार, जो अब बिहार को नया दल दिए हैं। ऐसे में उनका जो जनसुराज अब पार्टी बन गया है, आगामी बिहार में विधानसभा जो चुनाव होने हैं या विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, वो उम्मीदवार उतारेंगे, उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसकी भी उन्होंने आज वेटनरी कॉलेज ग्राउंड के मैदान से किया है। प्रशांत किशोर जनसुराज अब बिहार का एक नया दल है। बिहार में जो मौजूदा दल है, आरजेडी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा, हम, इन सबको चुनौती देने के लिए तैयार है। चार सीटों पर जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि उन चारों सीट, रामगढ़ हो, इमामगंज हो, बेलागंज हो या तरारी हो, अब उम्मीदवार देंगे और जो मौजूदा पार्टी के उम्मीदवार होंगे उनसे योग होंगे और उनको हराएगी। उन्होंने कई एजेंडा भी अपने समर्थकों के सामने पेश की है। प्रशांत किशोर आज विधिवत तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष की घोषणा की है। सुराज के स्थापना अधिवेशन में पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष बने मधुबनी के रहने वाले हैं मनोज भारती। नेत्रहाट से पढ़े हैं, IIT कानपुर से पढ़े हैं, IIT दिल्ली से MTech किए हैं, चार देशों के राजदूत रहे हैं। और ऐसे में प्रशांत किशोर ने अपने समर्थकों के सामने उन्हें खड़ा कर बतौर कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष ये घोषणा की है। प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार है। उन्होंने ये भी आज ऐलान किया है कि हम पदयात्रा कर रहे हैं और लगातार बिहार की पदयात्रा करते रहेंगे। प्रत्येक गांव तक जब तक हम पहुंच नहीं जाते हैं, तब तक अपने पदयात्रा को हम खत्म नहीं करने वाले हैं। आज पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में प्रशांत किशोर ने अपने लाखों समर्थकों की हुजूम घरा कर दी थी। हुजूम के सामने ही प्रशांत किशोर ने अपने एजेंडे भी पेश किए हैं। शराबबंदी का विरोध प्रशांत किशोर ने अपने समर्थकों के सामने किया है और उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो शराबबंदी को उखाड़ कर फेंक देंगे। ऐसे में प्रशांत किशोर अब नया दल लेकर आए हैं। देखना ये लाजमी होगा कि आगामी जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होने हैं, कितना प्रभावी होता है या कितना फैक्टर प्रशांत किशोर होते हैं। ऐसे तो प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि दल के साथ हम जुड़े हैं, लेकिन दल का कमान मनोज भारती के हाथों में होगा। मनोज भारती जो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं, मार्च तक वो अध्यक्ष रहेंगे। उसके बाद जो उनकी कमेटी है वो नया अध्यक्ष चुनेगा। पार्टी का संविधान का भी उन्होंने आज ऐलान किया है। पार्टी के संविधान की घोषणा में उन्होंने कहा है कि हमारे जो अध्यक्ष होंगे एक वर्ष के लिए होंगे, अन्य पार्टियों के जो अध्यक्ष होते हैं 3 वर्ष या 5 वर्ष के लिए होते हैं, लेकिन जनसुराज के जो अध्यक्ष हैं वो सिर्फ 1 वर्ष के लिए होंगे। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाए हैं कि प्रशांत किशोर लाखों अपने समर्थकों की हुजूम पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में खड़ा कर दिए थे। अभी से कुछ देर पहले ही उन्होंने अपने अध्यक्ष, संविधान और झंडा का भी घोषणा किया है। उनके झंडे में महात्मा गांधी के साथ में भीमराव अंबेडकर, जो संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। और प्रशांत किशोर अब नया दल के रूप में बिहार में चुनाव भी लड़ेंगे। कितना फैक्टर साबित होंगे तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। बहरहाल इसको इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ फोरनेशन के।